राजू भैया ये लो। बेटा तूने खाना फेंक कर दिया नीचे। अरे पापा अब नीचे कौन जाता? क्या मतलब? अरे पापा मतलब ये है कि आपको पता भी है बाहर कितनी गर्मी हो रही है, और फिर मैं उसको खाना देने पहले नीचे जाती, फिर उसको खाना देती, फिर ऊपर आती। आपको पता भी है कितना थक जाती मैं, इसलिए मैंने उसको खाना यहीं से दे दिया। शाबाश बेटा, ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा आइडिया है ना पापा। मुझे भी लगता है कि मेरे आइडिया सारे बेस्ट होते हैं। लेकिन बेटा खाना ऐसे फेंक कर नहीं दिया जाता। बस करो पापा, अब अपनी लेक्चर देना स्टार्ट मत कर लेना। खाना चाहिए? हाँ मैम साहब। ये लो मैम साहब, ये तो नीचे जमीन पे गिर गए। हाँ तो उठाकर खा लो। लेकिन मैम साहब। बेटा शुक्र करो कि तुम लोगों को खाना मिल रहा है, वरना दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को खाना भी नसीब नहीं होता है। अब इसको उठा और खा ले। बेटा तूने खाना फिर आज फेंक कर दिया। अरे नीचे जाकर भी तो देकर आ सकती थी। पापा मैं आपको कितनी बार बताऊं, मेरे घर में और भी बहुत सारे काम है, टीवी देखनी होती है मुझे, सीरियल्स देखने होते हैं, और फिर मैं बार बार ऊपर नीचे करती रह जाऊंगी तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं उसको यहीं से खाना फेंक कर दे देती हूँ। और पापा इससे क्या फर्क पड़ता है, कम से कम उन लोगों को खाना तो मिल रहा है, फिर चाहे कैसे भी मिले। ठीक कह रही बेटा, मैं सब समझ गया। पापा आज घर में खाना नहीं बना है? बेटा राशन खत्म था और मुझे काम पड़ गया, मैं लेने नहीं जा पाया। एक काम करो, गाड़ी की चाबी दे दो, मैं खुद लेकर आती हूँ। बेटा कार तो सर्विस के लिए गई हुई है, तो मैं पैदल ही जाना पड़ेगा। पैदल? आपको पता है बाहर कितनी धूप हो रही है। बेटा राशन लाना है तो जाना पड़ेगा, नहीं तो शाम तक इंतजार करो। आ गई बेटा। क्या आ गई? आपको पता भी बाहर कितनी गर्मी थी। बेटा एक बात तो मैं तुम्हें बतानी भूल ही गया, कल वो काम वाली कह गई थी कि आज खाना बनाने नहीं आएगी वो, तो खाना तो तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। क्या कहा आपने, खाना मुझे खुद बनाना पड़ेगा? नहीं तो एक काम करो ना, ऑनलाइन मंगा लो। पापा नहीं खाना मुझे बाहर का खाना, डेली डेली वही तो खा रही हूँ, आज मुझे घर का खाना चाहिए। तो एक काम करो, खुद ही जाके बना लो। बेटा। पापा खाना बन गया, खा लिया तुमने? हाँ पापा खाना तो बना लिया मैंने, लेकिन मैं खाना बनाते बनाते थक गई थी इसलिए सो गई। आप मेरे लिए खाना ला देंगे? हाँ बेटा अभी लाता हूँ। ये लो खा लो खाना। पापा ये क्या है? खाना है, तुम्हें इसी तरह खाना पसंद है ना, तो ला। पापा लेकिन इसमें आप प्लेट में भी तो ला सकते थे ना खाना, आपको तो पता है मैं कितनी थक गई हूँ। बेटा आप दूसरों को इसी तरह खाना देते हो ना, और आप ही ने तो कहा था कि खाना देने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपना टाइम जाया नहीं करना चाहिए, तो मैं इसलिए ले आया ऐसे खाना, खा लो। पर पापा आपको किसने कहा कि मुझे ऐसे खाना पसंद है? तुम भी तो ऊपर से उसे ऐसे खाना फेंक के देती थी ना, मैंने सोचा शायद तुम्हें ऐसे ही पसंद होता होगा, इसलिए ले आया। हाँ पापा सॉरी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं आज के बाद ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूँगी और अन्न का अनादर भी नहीं करूँगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि तुम्हें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात है, और तुम्हें उससे भी माफ़ी मांगनी चाहिए जिसको तुमने खाना फेंक के दिया था। किसी की ज़रूरत और मजबूरी का मजाक नहीं बनाया जाता, समझी? बेहतर होगा तुम उससे भी माफ़ी मांगो बेटा। हाँ पापा सॉरी। ठीक है बेटा, मैं लाता हूँ प्लेट में डाल के तुम्हारे। भैया ये आपके लिए खाना। मैम साहब आप आज खुद मुझे नीचे अपने हाथों से खाना देने आई हैं। हाँ भैया, और प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको खाना फेंक कर देती थी। नहीं नहीं मैम साहब आप ऐसा मत कहिए। नहीं भैया मुझे ऐसे खाना फेंक कर नहीं देना चाहिए था, और मैं आज के बाद हमेशा आपको खाना आपके हाथ में लिया करूँगी। धन्यवाद मैम साहब,
भगवान आपका हमेशा भला करे। अभी जो आपने वीडियो देखी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है, हमें मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। जल्दी से शेयर कीजिए और इस वीडियो का सही मॉरल कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का सही मॉरल क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके आप सुझाव दीजिए। और आप में से बहुत लोग हैं जो अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेजते हैं, तो आप लोग अगर जब भी मुझे स्टोरी इंस्टाग्राम में भेजें तो आप एक मॉरल लिख दीजिएगा कि आपकी स्टोरी से क्या मॉरल निकलता है, ताकि आपकी वीडियो पे हम जल्दी से, मतलब आपकी स्टोरी पे हम जल्दी से वीडियो बना सके। तो आप लोग जल्दी से एक स्टोरी मॉरल के साथ भेजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा सब्सक्राइब रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।